बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है तो उसमें पानी डाल देना यार। वैसे एक बात बोलूं क्या, बाइक को थोड़ी पता है कि वो पेट्रोल या पानी, डाल दे। तीन चाय। तीन चाय क्यों? टीचर भी आई है। अच्छा टीचर आई है। हाय टीचर, यहाँ ही है। इसने कहा इसके भैया के कैंटीन में मैं इसे ट्रीट दूँ। इसको ट्रीट चाहिए, वो भी उसके भाई की कैंटीन में। अबे पिटवाएगा क्या? टीचर ने बोला मामा, मानना तो पड़ेगा ना। तू पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तेरी आधी से ज्यादा बातें मेरी समझ में ही नहीं आती है। वेटर चलो जल्दी से यहाँ तीन चाय रखो और खिसको। मुझे लगा वेटर है। ये तीसरी चाय किसके लिए? तेरी बहन के लिए। मेरी बहन के लिए, मेरी छोटी सी बहन। ओ, तो कहाँ है आपकी बहन? वो जरा शर्मीली है ना, लाओ मैं उसको चाय देता हूँ, लाओ। अरे मामा, अगर कैंटीन रंजीत का है तो चाय भी यही देगा ना, आप बेकार में बीच में क्यों पड़ रहे हैं? बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बस क्या भाई, आपकी बहन मेरी बहन है, बताओ ना कहाँ है वो? वो बाहर खड़ी है। अबे बच्चे की जान लेगा क्या, मरवाएगा क्या? मामा आपकी बहन अनजान मर्दों से बहुत चिढ़ती है ना। पिछली बार एक को बहुत धोया था। बहन चाय के साथ समोसा फ्री है। चाय काफी है। अनजान आदमी को तो होती है, बेटा रंजीत तो एकदम अनजान है। नजर चुकाए जाओ और वापस आ जाओ। सुनो मेरी डेंजर बहन, ये लो चाय। जी। बास्केटबॉल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, हाँ? यही बोला था ना? साला फिर से बच के निकल गया। बॉल चाहिए, चल भाग यहां से। अब साला जिंदगी में कभी बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। देखो कैसे मुंह को लटकाए आ रहे, बड़े जोश के साथ सत्य की पुंगी बजाने गए थे। उस साले की पुंगी कोई भी बजाए, पर वो कमीना मेरे ही हाथों मारा जाएगा। अरे भाई से कब मिलना है? तूने इसका पता लगाया क्या? भाई से हम कल मिलेंगे। स्टूडेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलकर मैं आपको फोन करता हूँ। Thank you.
वेलकम टू हैदराबाद मिस्टर जगन प्रसाद। क्या हुआ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया इसलिए होश उड़ गए? मैं आया हूँ ना। ओह, मैंने तो गुड न्यूज दी ही नहीं। अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ उसी कॉलेज का, MGM कॉलेज। तुम्हें लगा मैं अपने घर लौट जाऊंगा या फिर आज के बाद तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा? डर कर भागना मेरी आदत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम जैसे चूहे स्टूडेंट्स को अपनी ढाल बनाते हैं। MGM कॉलेज में कई सारे गैंग्स हैं जहाँ गैंग्स वॉर्स होती रहती हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, ओके? ऊपर से मुस्कुराना और अंदर से घबराना, ये टैलेंट नया है या पुराना? बेचारे स्टूडेंट्स इसी मुस्कुराहट के चक्कर में फंसे हैं। मैं उनके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहता हूँ, ओरिजिनल कैरेक्टर दिखाना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। रमना, सॉरी सर, आपकी इंसल्ट, वो भी बिना कंसल्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? अब जा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई। आओ आओ आओ, बैठो। नमस्ते भाई। रहने दीजिए भाई, आपका दिल्ली का काम कैसा रहा? फैंटास्टिक। बताओ, कॉलेज की कोई नई खबर? वो गया नहीं भाई, उसने तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। किसने? वही लड़का जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? अच्छा, वो लड़का। रामना, सुना तुमने? जिसने हमारी कंप्लेंट की थी उसने इन स्टूडेंट्स का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। आते ही उसने हमारे राम को बुरी तरह मारा भाई। अच्छा, तो अब तुम लोग उसका बैंड बजाने की सोच रहे हो? बेचारा, पहली मुलाकात में तो वो मुझे बहुत सीधा साधा लग रहा था, फिर लगा शायद वो शहर छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसे नहीं मानने वाला। उस दिन चाय की दुकान पर भी झगड़ा कर रहा था भाई। चाय? उसका इसमें कोई हाथ नहीं है भाई, हम संभाल लेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। चलते भाई। गुना? हाँ भाई। तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी गैंग तो है ना भाई, बुलाना है क्या? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बता। भाई वो उस दिन एयरपोर्ट पे नहीं आ पाए। क्या पागलो जैसी बात कर रहा है तू भी। चल। सॉरी भाई, फिर ऐसा नहीं। अरे मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, भूल जा। बाय भाई। अच्छा हुआ ये मैटर भाई को बता दिया, और नहीं तो क्या। भाई वो चले गए। ब्रह्मा, आज के बाद कॉलेज की हर बात मुझे पता होनी चाहिए। रमना। भाई आया भाई। हाय फ्रेंड। ओह सॉरी, क्लासमेट। चलते हुए बात करें। वैसे तुम में कुछ तो बात है। इससे पहले उन लोगों से जिसने भी पंगा लिया उन सबको मार दिया गया, लेकिन तुम्हें देखो, उनकी बैंड बजा रखी है लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो? स्टूडेंट्स को समझने के लिए कोई भी काला जादू करने की जरूरत नहीं है। हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है और एक बेवकूफ होता है। उस बेवकूफ को ऐसा लगता है कि उससे समझदार और कोई नहीं। जब भी लड़ाई होती है बेवकूफ सबके सामने आता है। अगर एक बार उसे ठोक दिया तो सब पीछे हट जाते हैं। लीडर कभी बेवकूफ नहीं होता, जो बेवकूफ होता है वो लीडर नहीं बनता। लीडर को पहचानना जरूरी है। ए, रुक रहे। किधर भाग के जा रहा है? अभी मामला खत्म नहीं हुआ, उस दिन तो बहुत उछल रहा था भाई। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। भावना, मैंने अभी जो समझाया तुम समझ गई ना? अच्छी तरह से। और ये भी कि मेरे सामने इतने सारे बेवकूफ खड़े। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, अगर तेरे घर तक बात पहुँची ना तो सोच ले तेरा क्या होगा। 2340-4060 मेरे घर का नंबर, तू चाहे तो मेरे पेरेंट्स को बुला सकता है। इसे लगता है हम डर गए। कहाँ गया वो? वो तो वो रहा। बॉस, तुम्हारी गट्स को वाकई सलाम है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ए, किसको बोल रहा है बे? सुना नहीं क्या तुझे बोल रहा हूँ? ए, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया बे? वेरी गुड, किसी ने सही कहा है, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती हो। एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से दोनों ग्रुप्स एक हो जाएंगे। रवि, मेरी बात सुन, वो तेरा मेरा हम सबका दुश्मन है, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हाँ तो बोल, क्या करें? हम दोनों मिल जाते हैं, मिलके उसकी बैंड बजाएंगे। भाई आपने इससे हाथ मिलाया? बंद कर। कुछ तो बोलो, बता कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज
वैसे ही चल रहा जैसे चलना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे भैया? हाँ, मेरा भाई कहाँ से याद आया? इन्हें भी अभी टपकना था। अरे तुम सत्या हो? हाँ। यहाँ कैसे? यहाँ बस मैं बस यही रहता हूँ। ओह ओके। और ये मेरी बहन है। हाय। हेलो। अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढ लूंगी। चलो चाय पी के चलो। नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट में बन जाएगी। मुझे तो बताया तक नहीं। वैसे तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? कॉलेज जाने के लिए। मुझे भी कॉलेज जाने का बड़ा मन था पर कभी जा ही नहीं पाया। तुम्हें तो बताना चाहिए। कॉलेज के पास मैंने अपनी कैंटीन खोल दी। अरे रोहन, ये मेरे बापू है। नमस्ते। और ये मेरी और बाबू, ये सत्य। अच्छा, क्या काम कर रहा है? नंगा क्यों है? घर में मेहमान है, इसे रख लीजिए। डिग्री सेकंड ईयर। चलो चलो। ये मेरी आज पापा हमारी कैंटीन में ये अक्सर चाय पीने आते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे आदमी है। और सत्या, ये मेरी और रुको, कहाँ भाग रही हो? मेरी पत्नी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप अकेले ही आए? मम्मी डैडी नहीं आए? मम्मी डैडी वो सारे वाइजाग में रहते हैं, मैं मामा के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो मामा को साथ लिया थे? तुम चाय बनाने वाली थी ना? जाओ चाय लेके आओ। बहुत बातें करती है लेकिन चाय बहुत जबरदस्त बनाती है। अच्छी चाल है, मानना पड़ेगा, पड़ेगा ना? इतना सारा खिलाओ। आप लीजिए ना। नो थैंक्स। बापू शुगर, तुम जाओ चाय लेके आओ। सिर्फ दूध डालना ही बाकी है। क्या बना रही है तू? अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार नहीं होना है, चल जाके चाय दे के आ। ये ले। मैं क्यों दूं? अरे तुम नहीं दोगी तो क्या मैं दूंगी? अच्छे से बिहेव करना। क्या चलो जल्दी जा। क्या चाल है, तुम्हारी ऊंट डेंजर में आ गई? लो मारा गया ना। क्या किया सत्या, लगता है तुम्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक है। जो इंसान खतरे से भागता है उसके लिए लाइफ खतरा बन जाती है। जब आगे कोई रास्ता ना दिखे तो रास्ता बनाना पड़ता है। चेक, संभल के रहना एक बात है लेकिन डर कर जीना बिल्कुल गलत। कम से कम तुम ही समझाओ, ये डर के मारे अपनी छोटी बहन को कॉलेज तक नहीं भेजता। तो क्या करूं, इसकी सेफ्टी के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा। कॉलेज से ज्यादा सेफ कौन सी जगह हो सकती है? वहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आपके दोस्त हमेशा साथ होते हैं। जो भी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कॉलेज में पढ़ाई कम, गुंडागर्दी ज्यादा होती।